देते पहले उससे ना जो चाहिए किसी को करनाल के सेक्टर 32 में जरूरतमंद बच्चों के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्त्र जो है यहाँ पर बांटे गए हैं। खासतौर पर युवाओं की तरफ से जो है ये पहल की गई है। आप तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो है युवाओं की तरफ से यहाँ पर वस्त्र बांटे जा रहे हैं। पुकार वक्त की संस्था और इंस्पायर इंडिया वेलफेयर की तरफ से जो है यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ देख सकते हैं कि जब भी जरूरतमंद जो परिवार यहाँ सेक्टर 32 और 33 नूरमहल के आसपास रहते हैं उनको जो है वस्त्र बांटने का जो है काम किया जा रहा है। जो यूथ यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि आज किसकी तरफ से जो है ये शुरुआत की गई है? तो आज हमने ये पुकार फाउंडेशन की तरफ से इंस्पायर इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने एक कैंप लगाया है। इसको हमने नाम दिया है क्लब क्लोथ डोनेशन ड्राइव। इसके अंदर हमें करनाल के ही लोगों ने हमें जो कपड़े दिए हैं दान के अंदर, हम गरीब लोगों में बांट रहे हैं। इसके अंदर बच्चों, बड़े, बूढ़ों और औरतों सभी के लिए कपड़े दिए गए हैं। और ये हमारे साथ हैं। आप बताएं शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? शहर के लोगों से यही कहना चाहेंगे, हम आगे भी इस तरह की क्लोथ डोनेशन ड्राइव करते रहेंगे। हम उनसे अपील करते हैं अगर उन पे कोई ऐसे कपड़े पड़े हैं जो नहीं पहनते, हम ये नहीं कहते जो वो पहनते हैं वो दीजिए, जो वो नहीं पहनते वो कपड़े दीजिए, ताकि उन जरूरतमंद जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके काम आ सके। कहाँ पे किया गया है और कितने संस्थाएं यहाँ शामिल हैं? 32 सेक्टर में किया गया है। इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं, पुकार संस्था, वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन और समर्पण। समर्पण टीम का भी काफ़ी सपोर्ट हमें रहा है। तो हम सबको बोलेंगे कपड़े भी दीजिए और साथ में जो लोग आके हमारे साथ यहाँ डोनेट कर सकते हैं, जो टीम वर्क के लिए भी हमें बहुत ज़रूरत है, तो आप जो भी आ सकता है अगली बार से आए। आप बताएं आप जो यहाँ पर पहुँचे हैं क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पुकार की तरफ से इन बच्चों ने बड़ा अच्छा यहाँ एक बनाया था सिस्टम सभी पूरे करनाल के लिए। सभी से अपील करूँगा कि सारे लोग आकर के पुराने कपड़े दें ताकि इन गरीबों की जरूरत पूरी हो सके। और हम लोग सुबह समर्पण टीम की तरफ से सुबह चाय पिलाते हैं, कोढ़ी कॉलोनियों में सेवा करते हैं, दवाइयां वितरण करते हैं, कंबल वितरण करते हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है, मैं तो अप्रिशिएट भी करूंगा और सारी अपील भी करूंगा सारी करनाल की जनता से कि आगे आए, इन गरीबों के लिए कम से कम आगे आए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि करनाल के सेक्टर 32 में रविवार का दिन जो है 2-3 जो युवाओं की तरफ से संस्थाएं बनाई गई हैं उनकी तरफ से जो है ये एक सराहनीय पहल की गई थी, जहां पर जरूरतमंद परिवारों को, गरीब परिवारों को जो है यहां पर वस्त्र जो है बांटे जा रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।